राजधानी की सड़क पर छात्रों के हुजूम से निपटने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की फौज उतर आई। समझाइश का दौर तो बहुत पहले खत्म हो चुका था, लेकिन अपनी चंद मांगों के हक में सड़क पर मार्च निकालने को अड़े छात्रों पर पुलिस लाठियां बरसा दे, ये देखना हैरत अंगेज था। जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन तो 15 दिनों से जारी है, लेकिन आज सुबह बवाल ज्यादा भड़क गया। अंदर उपराष्ट्रपति जेएनयू के छात्रों को डिग्रियां बांट रहे थे और बाहर जेएनयू के छात्रों को घसीट घसीट कर एक बस में बोरे की तरह ठूसा जा रहा था। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के 2-4 दर्जन जवानों की ड्यूटी ही इसी के लिए लगी थी कि जो भी आवाज उठाए घसीट कर बस में डाल दो। आवाज उठाने वालों में लड़कियां भी थी, लिहाजा वर्दी वाली और सादे कपड़ों वाली महिला पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से घसीटने की ड्यूटी निभाती थी। जिस छात्र ने चुपचाप फरमान लिया उसे हाथ पकड़कर बस तक पहुंचा दिया गया। जिसने जरा सा भी विरोध जताया उसे हैसियत बताने और वर्दी का रौब दिखाने में एक सेकंड की भी देरी नहीं हुई। गेट के बाहर बैरिकेडिंग करके रास्ता पहले ही रोक दिया गया था। वर्दी वालों की पूरी फौज लगी थी और विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अंदर जाने ही नहीं दिया गया, लेकिन कुछ छात्रों ने दीक्षांत समारोह में मौजूद रहकर उपराष्ट्रपति के सामने अपने हक की आवाज उठानी चाहिए तो पुलिस उन्हें अंदर से खदेड़ते हुए इस तरह बाहर लेकर आई, और जब छात्रों ने बाहर ही डेरा जमा लिया तो उन पर पानी की धार भी छोड़ी गई। जेएनयू छात्र पिछले 15 दिनों से नए फरमान का विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि हॉस्टल फीस बढ़ोतरी वापस ली जाए, हॉस्टल में सर्विस चार्ज खत्म कर दिया जाए, हॉस्टल में आने जाने की समय सीमा खत्म हो, हॉस्टल में ड्रेस कोड लागू ना किया जाए। हमारी फीसों को ये 1000 गुना बढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारे लिए क्या गलत हो सकता है? 1000 गुना कौन सा नियम कहता है कि ये बढ़ाए? उसके बाद जब ये बोल रहे हैं कि हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, हमारे पास पैसा नहीं है यूजीसी को देने के लिए, तो जेएनयू क्या मशीन है? हॉस्टल फी करीब करीब 1000 गुना बढ़ा दी गई है, सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल हो जाएगा। यही होगा कि फिर डिग्री आधे में छोड़ के फिर ये घर जाना पड़ेगा। लोग यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाएंगे, 40% लोग। हम बीसी से अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, पर कोई हमसे बात करने नहीं आ रहा है। 14 डेज से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे वीसी नहीं मिल रहे हैं हम लोगों को, वो हम लोगों को जवाब नहीं दे रहे हैं। बहरहाल छात्रों की मांग कितनी जायज है इसका फैसला विश्वविद्यालय प्रशासन को करना है, लेकिन जिस देश में नेताओं की एक पूरी पीढ़ी छात्र संघ और छात्र आंदोलनों की उपज हो, वहाँ सिर्फ अपनी आवाज उठाने पर छात्रों के साथ ऐसा बर्ताव गले नहीं उतरता। लगता यही है कि लोकतंत्र के नाम पर राजनीति को कैंपस में जगह तो दे दी गई है, लेकिन लठैतों की पहरेदारी में।